यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। भिवानी ही नहीं, पूरे दक्षिण हरियाणा में इन दिनों पानी की भारी कमी है, लेकिन खास बात यह है कि जहां पानी आ भी रहा है वो भी गंदा है और जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। सामान्य अस्पताल ने पानी के सैंपल लिए तो वो भी हैरान करने वाले रहे, क्योंकि 67 में से 31 सैंपल फेल पाए गए हैं। आपको बता दें कि शहर में उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है और ऐसे मरीजों के लिए अस्पताल में अलग से वार्ड बनाए गए हैं। वहीं जब इस मामले में विधायक घनश्याम सर्राफ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, मामले की जांच हो रही है। के पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, इस कारण जो अशुद्ध पानी वो पीने पर मजबूर हो जाते हैं लोग। उसके कारण जो वाटरबोर्न डिजीज़ है हमारी अप्रैल के बाद में अक्टूबर नवंबर तक चलती है, जब तक सर्दी नहीं पड़ती। तो इसके लिए हमने हॉस्पिटल में पूर्ण इलाज की व्यवस्था कराई है। पानी के अंदर क्लोरिनेटेड वाटर करना, उनको लोगों को बताना, आईसी एक्टिविटी करना कि स्वच्छ पानी छान के पियो, पानी उबाल के पियो, ये बताना हमारी जिम्मेदारी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भिवानी से हमारे संवाददाता सुमित कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित कुमार, यहाँ पर 67 सैंपल लिए जाते हैं, 31 सैंपल फेल हो जाते हैं और साथ ही साथ जहाँ पर पानी मिल रहा है वो भी गंदा है। बिल्कुल प्रीति, अगर बात करें भिवानी शहर की, पूरे शहर में पानी की बेहद ना केवल किल्लत है, राशनिंग की जा रही है पानी की और इसके साथ पानी जी जो है महज वो फेल पाए गए हैं। 37 सैंपल पास पाए गए थे तो कहीं ना कहीं लोगों को दूषित पानी पीने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और अगर बात करें लोगों की, लोग बेहद परेशान तो हैं ही, साथ ही साथ बीमारियां भी घर करती जा रही हैं। अस्पताल में मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, प्रशासन क्या कर रहा है इस बीच? देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा स्पेशल टास्क फोर्स की मीटिंग भी बुलाई गई थी और साथ ही साथ जो जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं और स्वास्थ्य हेल्थ डिपार्टमेंट के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी निर्देशित किया गया है कि पूरे मामले में समुचित कार्रवाई की जाए, दूषित पेयजल की आपूर्ति जहाँ से हो रही है उन सोर्सेज को बंद किया जाए और साथ ही साथ लोगों को आईईसी एक्टिविटीज के जरिए भी समझाया जाए, जागृत किया जाए ताकि वो दूषित पानी जो है वो ना पिए, पानी को उबाल कर पिए। चलिए, कहीं ना कहीं प्रशासन जो है सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित कुमार तमाम जानकारी के लिए। तो लोगों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, वार्ड अलग से बनाए गए हैं अस्पताल में, साथ के साथ ही गड्ढों को भरने का भी काम यहाँ पर चल रहा है।